ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी भैया यानी कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पे 2 दिन का समय पूरा कर चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, D3 की एडवांस बुकिंग भी फिल्म की काफी अच्छी देखने को मिली और फाइनली दोस्तों D3 में हमें फिल्म के कलेक्शन में भी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की D2 से ज्यादा एडवांस बुकिंग D3 के लिए हो चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, सैटरडे को यानी कि D3 पे इस फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, फिल्म की ऑन स्पॉट बुकिंग ज्यादा देखने को मिल रही है। फिल्म में हमें अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फिल्म का डायरेक्शन किया है अली अब्बास सफर ने। फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे जहां 16 करोड़ 7 लाख रुपए से एक अच्छी खासी शुरुआत हासिल की थी, तो वहीं दोस्तों D2 पे फ्राइडे को वर्किंग डे होने के चलते फिल्म के कलेक्शन में थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला। जबकि D1 का फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा था वो रहा था 36.33 करोड़ रुपीज का। अब बात की जाए दोस्तों फिल्म की D3 की एडवांस बुकिंग कलेक्शन की, तो D2 का जो दोस्तों फाइनल एडवांस बुकिंग कलेक्शन रहा था वो रहा था लगभग 1.5 करोड़ रुपए का, और D3 के लिए फिल्म दोस्तों एडवांस बुकिंग में ही 2.50 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। जिसमें दोस्तों फिल्म के टिकट सोल्ड की बात करें तो फिल्म के 1,40,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड हो चुके हैं और फिल्म दोस्तों 2.5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन हासिल कर चुकी है। साथ ही साथ हिंदी 2D वर्जन के फिल्म के टिकट सोल्ड हुए 60,000, हिंदी 3D वर्जन के 35,000, तो वहीं बाकी टिकट्स और वर्जन यानी कि IMAX 3D, IMAX 2D, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम जैसी भाषाओं में सोल्ड हुए थे। और इसी के साथ दोस्तों D3 पे फिल्म के कलेक्शन में एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों, कई सारी जगहों पर ये फिल्म एडवांस बुकिंग में ही हाउसफुल हो चुकी है। जैसे कि दोस्तों दिल्ली NCR में फिल्म के 560 शोज हैं और यहाँ पे दोस्तों 10 शोज ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, जबकि 15 शोज फास्ट फिलिंग मोड पे चल रहे हैं। इसके अलावा मुंबई में 7, हैदराबाद में 5, चेन्नई में 2, सूरत में 3 शोज इस फिल्म के एडवांस बुकिंग में ही D3 के लिए सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये फिल्म D3 पे कितने करोड़ का बिजनेस हासिल कर पाएगी। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या है कहना? साथ ही दोस्तों, आपको फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म के डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।